हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोपिनॉप। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड हम सब यूज़ करते हैं। कार्ड यूज़ करके स्पेंड करके हम लोग कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट, ईयर माइल्स अर्न करते हैं। कार्ड पे जो फ्री लॉन्च एक्सेस है और भी बाकी बेनिफिट है वो भी हम लोग यूज़ करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्रेडिट कार्ड कंपनी उनका इनकम कैसे जनरेट करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्रेडिट कार्ड जो हम लोगों को फ्री रिवॉर्ड पॉइंट, ईयर माइल्स या फिर जो बेनिफिट देते हैं लॉन्च एक्सेस जैसा, उसका पैसा कौन पे करता है? आज इस वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, एक क्रेडिट कार्ड कंपनी का मेनली चार टाइप का इनकम होता है। नंबर वन, इंटरेस्ट इनकम। जब कोई कस्टमर क्रेडिट कार्ड यूज करके उसका बिल टाइम पे नहीं करता तो उनका जो ड्यू अमाउंट होगा उस पर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जब कोई कस्टमर एक क्रेडिट कार्ड यूज करके ईएमआई में कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं या फिर कैश विड्रॉल करते हैं तो उस पर भी बैंक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट इनकम है वो बैंक का एक मेजर इनकम है। नंबर टू, इंटरचार्ज फीस कलेक्शन। जब कोई मर्चेंट एक क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करके पेमेंट लेता है तो मर्चेंट को एक फीस देना पड़ता है, MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट नॉर्मली 1% से लेके 3% के बीच में होता है और ये जो MDR है इसको तीन पार्टी में डिवाइड किया जाता है, इशुइंग बैंक, एक्वायरिंग बैंक और कार्ड नेटवर्क। इन तीनों में ये MDR डिवाइड होता है और मेजर परसेंटेज जाता है इशुइंग बैंक को और इसको हम इंटरचार्ज फीस कलेक्शन भी बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा स्पेंडिंग उतना ज़्यादा इनकम कार्ड इशुइंग बैंक के लिए। तो इसीलिए कभी कभी बैंक हम लोगों को स्पेंड बेस्ड ऑफर भेज देते हैं ताकि हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करके और ज़्यादा स्पेंड करें ताकि क्रेडिट कार्ड कंपनी का और ज़्यादा इंटरचार्ज फीस कलेक्शन से इनकम हो। नंबर थ्री, मेंबरशिप फीस। जब हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो हम लोगों को एक ज्वाइनिंग फीस और एक एनुअल फीस लगता है, उसको हम मेंबरशिप फीस बोलते हैं। नंबर फोर, अदर फी बेस्ड चार्जेस। क्रेडिट कार्ड कंपनी हम लोगों को और भी बहुत सारे चार्जेस लगा सकता है, जैसा कि लेट पेमेंट फीस, EMI प्रोसेसिंग फीस, कैश विड्रॉल फीस और भी बहुत सारे ऐसे फीस है जो कि क्रेडिट कार्ड कंपनी हम लोगों को लगाते हैं और उनका इससे भी एक मेजर इनकम होता है। अब हम लोग SBI कार्ड का फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का जो इनकम ब्रेकअप है इनका वो एक बार देख लेते हैं तो आपको डिटेल आइडिया मिल जाएगा कि इंडियन क्रेडिट कार्ड कंपनी कैसे उनका इनकम जनरेट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि SBI कार्ड का जो FY 2021-22 का इनकम था उसमें से 45% इनकम इंटरेस्ट से आया है, 24% का इनकम आया है इंटरचार्ज फीस कलेक्शन से, 7% का इनकम आया है मेंबरशिप फीस कलेक्शन से और 17% का इनकम आया है उनका अदर जो फीस कलेक्शन है वहां से। तो ये जो इनकम ब्रेकअप है इससे आपको डिटेल आइडिया मिल रहा होगा कि क्रेडिट कार्ड कंपनी इंटरेस्ट इनकम के ऊपर कितना ज्यादा डिपेंड करते हैं। SBI कार्ड का ही बात करूं मैं तो लगभग उनका 50% इनकम, मतलब हाफ इनकम टोटल इनकम के इंटरेस्ट से आया है। तो जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करके बिल टाइम पे नहीं करता, जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करके EMI में प्रोडक्ट परचेस करते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा ये जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज के इनकम है वो जनरेट करते हैं, सबसे ज्यादा उनका ही हिस्सा है इसमें। तो कौन हमारे ये जो क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट है, कैशबैक है, ईयर माइल्स है और जो फ्री बेनिफिट्स आते हैं जैसे कि लॉन्च एक्सेस, उसको स्पॉन्सर करते हैं, उसके लिए पे करते हैं? ऑब्वियसली बैंक ही इसके लिए पे करते हैं। पर बैंक का अगर आप इनकम देखोगे, जो उनका मेजर इनकम है इंटरेस्ट इनकम, मैंने जैसा ही बोला पहले कि जो लोग टाइम पे बिल पे नहीं करते, जो लोग कैश विड्रॉल करते हैं कार्ड यूज करके, जो लोग EMI में प्रोडक्ट परचेस करते हैं, उन लोगों का सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन है और हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों के वजह से ही हम लोगों को ये जो फ्री का बेनिफिट है, फ्री का रिवॉर्ड पॉइंट है, वो सब कुछ मिल पाता है। अगर हम SBI कार्ड के बारे में बात करें तो SBI कार्ड फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में लगभग 623 करोड़ रुपीस के रिवॉर्ड पॉइंट उनके कस्टमर को दिया है और ये जो 623 करोड़ रुपीस है ये उनके टोटल एक्सपेंस का 15% है। तो आप देख सकते हो कि कितना परसेंटेज उनका जाता है ये जो लॉयल्टी प्रोग्राम है उसको मैनेज करने के लिए। ये क्रेडिट कार्ड कंपनी का एक मेजर एक्सपेंस भी है। तो क्या होगा अगर सब लोग क्रेडिट कार्ड के बिल टाइम पे करने लगे, क्रेडिट कार्ड यूज करके कैश विड्रॉल ना करें
और EMI में प्रोडक्ट परचेस ना करें। तो इससे क्या होगा कि जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है उनका इंटरेस्ट इनकम बंद हो जाएगा और उनके लिए उनका बिजनेस रन करना डिफिकल्ट हो जाएगा और जो ये लॉयल्टी प्रोग्राम है उसको भी रन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। लगभग क्रेडिट कार्ड कंपनी को जो उनका बिजनेस है वो बंद करना पड़ेगा। जो स्मॉल क्रेडिट कार्ड कंपनीज है उनका बिजनेस लगभग बंद हो जाएगा और जो बड़े कंपनीज है वो ही मार्केट में टिक पाएगा। पर क्या ऐसा होना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं कि सारे लोग टाइम पे बिल पे करने लगेंगे, सारे लोग कैश विड्रॉल नहीं करेंगे और सारे लोग EMI में प्रोडक्ट परचेस करना बंद कर देंगे। तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल आर्टिकल लिखा है जो आपको मनी कंट्रोल और हमारे वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वो आर्टिकल देख सकते हो, वहां पे और भी डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करके रखें क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।